हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आई एम योर टीचर डॉल्सी एंड एज़ यू नो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज आर चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ओके तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है तो हम जस्ट आज इसकी क्या करेंगे रिवीजन करेंगे तो so, इस चैप्टर में हमने जनरली सबसे पहले क्या किया था द क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें हमने सबसे पहले कौन सी क्लासिफिकेशन स्टडी की थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वॉज डन बाय कैरोलस लीनियस Second was three kingdom classification that was done by Ernst Haeckel. Then was four and five kingdom classification. Both these classifications were done by R.H. Whitaker. And last one is the six kingdom classification that was studied by Carl Wuze. So the most important and landmarking event in the field of classification or systematics was the development of five kingdom classification. So this kingdom classification me jo लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसको पांच बेसिस पे या पांच किंगडम्स में डिवाइड किया था आरएचबी टिकर ने वो किंगडम कौन-कौन से थे मोनरा प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया तो आपको ये क्वेश्चन आता है कि आरएचबी टिकर ने किन-किन करैक्टर्स -किन के बेसिस पे क्लासिफाई किया था किंगडम एनिमेलिया को पांच किंगडम्स में तो फर्स्टली उसने क्या किया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलर थे उनको सेपरेट आउट कर दिया किससे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही किंगडम है वो कौन सा है किंगडम मोनेरा बाकी सारे किंगडम कौन से हैं यूकैरियोटिक तो यूकैरियोटिक आपके चार किंगडम्स हैं प्रोटिस्टा फनजाई प्लांटे एंड एनीमिलिया तो प्रोटेस्ट में सारे के सारे क्या आएंगे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स बाकी जो बचे फनजाई प्लांटे एंड एनिमिलिया उनमें क्या आएंगे सारे मल्टी ऑर्गेनिज्म तो जो मल्टी ऑर्गेनिज्म थे उनमें अगर तो सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे फंजाई और प्लांटे। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो वो क्या होंगे एनिमिलिया ओके तो फिर फंजाई और प्लांटे दोनों में सेल वॉल तो प्रेजेंट है फिर इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर तो वॉल बनी है किससे काइटिन से तो वो होगा फंजाई और किससे बनी है प्लांट सेलुलोज से तो वो क्या होगा प्लांटे या जो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्मिक हैं वो होंगे प्लांटे और जो हिटोट्रॉफिक हैं वो होंगे आपके द फंजाई नेक्स्ट कम टू द मोनरा तो मोनरा क्या था ऐसा किंगडम जिसमें हम सारे के सारे प्रोकैरियोटिक यूनीसेलोर ऑर्गेनिज्म मतलब कि बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया था मोनरा को फर्दर टू ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है आर बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया आर के बैक्टीरिया में सारे के सारे परिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं और यू बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं आर के बैक्टीरिया आर ऑफ थ्री टाइप मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं पहले कौन से हैं मिथेनोजन्स जो मिथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया हैं एग्जाम्पल है मिथेनोकोकस है फिर हैं आपके थर्मो एसिडोफिल्स जिनमें कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा एसिडिटी को टॉलरेट करने की मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हॉट स्प्रिंग्स में ये क्या करते हैं सर्वाइव करते हैं और चाहे कितनी भी एसिडिटी हो उसको क्या सकते कर सकते हैं टॉलरेट कर सकते हैं लास्ट बट नोट द लीस्ट आर के बैक्टीरिया आर द कौन से होते हैं वो आपके इस हेलोफाइल्स हेलो मीन्स सॉल्ट तो जो सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं हेलोफाइल्स और वो किस में क्लासीफाई करते हैं हम आर के बैक्टीरिया में नाउ कम टू द यू बैक्टीरिया इनमें हमने मतलब फर्दर क्लासेस स्टडी की थी किसके बेसिस पे शेप के बेसिस पे इनको तो पहले कौन से थे अगर किसी बैक्टीरिया में आपको सरफेस पे सर्फेस वेरिकल दिखता है तो उनको बोलते हैं कोकस अगर उनकी शेप कौन सी है रोड शेप तो आप बोलोगे बेसिलस अगर उनकी रोड जो शेप है स्प्रिंग शेप्ड है तो वर्ड यूज होगा स्पाइरुलम अगर क्या है कॉमा शेप्ड है तो वर्ड यूज़ क्या होगा विब्रियो ठीक है फिर वैसे ही अगर स्टेन में वो पिंक कलर के दिख रहे हैं तो ग्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर वो रेड कलर के या कलरलेस दिख रहे हैं तो ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया फिर इसमें हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ बैक्टीरिया पहले कौन से थे सियानोबैक्टीरिया तो सैनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते थे पहले ब्लू ग्रीन एलगी तो ये याद रखना सियानोबैक्टीरिया आज हम किस में कंसिडर करते हैं मोनरा में पर पहले जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थी उसमें इसको किस में कंसिडर किया गया था एलगी में और जो एलगी होती है आपकी एलगी किस किंगडम में रखी जाती है द डिविजन थैलोफाइटा ऑफ किंगडम प्लांटे तो इस वजह से वो कहाँ पे होने चाहिए थे द किंगडम प्लांटे में पर अब कहाँ पे प्रेजेंट है किंगडम ऑनरा में क्योंकि ये क्या होते हैं बैक्टीरिया ये असल में इनको एल्गी क्यों कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी बिकॉज दे हैव ब्लू एंड ग्रीन कलर और वो ग्रीन कलर किसकी वजह से प्रेजेंट होता है ड्यू टू क्लोरोफिल और क्लोरोफिल की वजह से इनमें कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने की तो ये क्या है आपके फोटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं तो ये दीज आर द बैक्टीरिया दैट हैव कैपेसिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड ओके नेक्स्ट बैक्टीरिया आगे कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिनमें कैपेसिटी होती है नाइट्रोजन इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को जो एयर में नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना ताकि वहां से सॉयल नाइट्रेट्स को पिक करके सॉयल की फर्टिलिटी क्या हो सके इंक्रीज हो सके एग्जाम्पल no, है नोस्टेक अनाबीना नेक्स्ट आगे आपके प्रोटिस्टेंस तो प्रोस्टिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं यूनिसेलर पर होते क्या हैं यूकारी तो यू यू का रिओ्ट जो आपके यूनीसेलर ऑर्गेनिज्म है उसको हम कंसिडर कहाँ पे करते हैं इन प्रोटेस्टा तो इसकी फर्दर क्या है पांच डिविजन्स हैं पहली कौन सी है क्राइजोफाइड्स सेकेंड वन आर द डिनोफ्लिजलेट्स थर्ड वन आर द प्रोटोजोन्स फोर्थ वन आर द स्लाइम स्लाइमोल्ड्स एंड लास्ट वन आर द यूग्नॉयस तो कल भी देखा था हमने यूग्नॉयड्स आर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द किंगडम प्लांटे एंड द किंगडम एनमीलिया एंड यूगलिना इज दैट ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट्स दिस कनेक्टिविटी

पर जो आपके यूगलिनॉइड होते हैं उनमें सेल वॉल क्या होती है एबसेंट एंड टू रिप्लेस दैट सेल वॉल उनमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है प्रोटीनशियस उसका नाम क्या है पैली सेल फिर क्या है स्लाइम स्लाइमोल्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये क्या होते हैं चिपचिपे सब्स्टांस होते हैं जिसमें हम जनरली प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ते हैं आपके uh, मतलब uh, जैसे कि आगे आपका प्लाज्मोडियम डिजीज कॉजिंग प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो ह्यूमन बींग में मलेरिया कॉज करता है वो किसकी एग्जाम्पल है आपके स्लाइम मोल्ड की ऐसे आपके प्रोटोजोन्स आ गए प्रोटोजोन्स को हम पहले कंसीडर करते थे एनिमल्स के प्रिमिटिव बोलते हैं मतलब ये मानते हैं हम कि जो किंगडम एनिमिलिया है उसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है प्रोटोजून से प्रोटो मतलब पहले जुअन मतलब एनिमल ट्रू एनिमल बनने से पहले जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आए थे वो कौन से थे प्रोटोजुओं तो इसमें हम किसकी एग्जाम्पल स्टडी करते थे प्रोटोजुओंस में अमीबा की तो अमीबॉयड थे वो स्पोरोजॉयट बनाने वाले थे तो उसमें हम प्लाज्मोडियम की टाइप स्टडी करते थे फ्लैजलेटेड में और सिलियेटेड में फ्लैजलेटेड में हम किसकी स्टडी करते थे यूगलीना की और जो सिलिटेड होते थे उसमें हम किसकी स्टडी करते थे पैरामीशियम की और इनकी क्लासिफिकेशन इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे है फिर क्या है डाइनोफ्लेज जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं दो फ्लैजेला नाउ आपकी क्या है क्लासिफिकेशन जिसको हमने किंगडम प्रोटेस्टा को फर्दर डिजन में क्या किया है डिवाइड किया है तो पहली जो डिविजन है वो है आपकी अमीबॉयक डिजेंट्री जो आपका प्रोटेस्ट करता है कौन सा अमीबा हिस्टोलिटिका ये कौन सा था एक अमीबॉयड प्रोटोजोन था तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जनरली आपके क्या होते हैं प्रोटोजोन्स ही होते हैं तो ये अमीबॉय डिस का जो वेक्टर है वो पानी से पिक होता है सिम्टम्स में क्या है डायरिया होता है ग्यारडियासिस मतलब बीवियर फीवर इसमें ग्यारडिया जो प्रोटेस्ट है वो आपका गारडियासिस करता है ये भी पानी से ट्रांसमिट होता है सिम्टम्स क्या है इसके भी डायरिया और वॉमिटिंग जनरली वाटर स्प्रेड या फूड स्प्रेड ही डिजीज होती हैं जो आपके प्रोटोजोन स्प्रेड करते हैं फिर क्या है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है इसको हम क्या बोलते हैं ट्रिपनोजोमनियसिस जो एक प्रोटेस्ट के थ्रू स्प्रेड होती है जिसका नाम क्या है ट्रिपेनोजोमा ये ट्रिपेनोजोमा को पिक करने वाला जो वेक्टर है उसका नाम क्या है सी सी फ्लाई तो सी सी फ्लाई इस वेक्टर को पिक करती है और जो पेशेंट होते हैं उनमें अनकंट्रोल्ड सीटनेस होती है और कन्फ्यूजनस जनरेट होती हैं एंड इन लेटर स्टेज डिमेंशिया भी क्या होता है ऑब्जर्वड होता है नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो कौन सी है मलेरिया जो किससे कॉज होती है प्लाज्मोडियम की स्पीशीज से जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइबैक्स मोस्ट कॉमन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम प्लाज्मोडियम ओवेल्स इसका जो वेक्टर है वो आपकी है फीमेल एनोफ्लीज मस्किटो ठीक है इसमें क्या होते हैं तीन स्टेजेस होती हैं कोल्ड स्टेज शिवरिंग स्टेज और स्वेटिंग स्टेज फीवर होता है फिर ठंड लगती है चिल्स होती हैं फिर स्वेटिंग होकर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो आपकी है सिनकोना ट्री से हार्वेस्ट होने वाली एक डिजीज़ जिसका नाम क्या है क्यूनिन आजकल हम क्यूनिन के डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं जैसे कि क्लोरो -क्युनीन. नेक्स्ट जो आपकी डिजीज़ है वो कौन सी है टॉक्जो जो एक प्रोटेस्ट के थ्रू स्प्रेड होती है जिसका नाम क्या है टोक्ज़ो इस टोक्ज़ोप्लाज्मा नाम के पाथोजन का जो वेक्टर है वो कौन है आपकी कैट्स जो डेथ कॉज करती हैं पेशेंट की ड्यू टू स्वियर डैमेज इन ब्रेन प्रेग्नेंट फीमेल्स को तभी अवॉइड करते हैं कैट के लेटर से क्योंकि यहाँ से स्प्रेड होती है सो दिस इज़ ऑल फॉर टूडे थैंक